खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। के मुंडवा में अंबुजा सीमेंट कंपनी के 64 प्रवासी मजदूरों को आज रवाना किया गया। ये सभी मजदूर मध्य प्रदेश के निवासी हैं। बुधवार को हुए हंगामे और कलेक्टर के दखल के बाद कर्मचारियों को बकाया वेतन के भुगतान का आश्वासन दिया गया था, जिसके बाद मजदूरों को आधा अधूरा भुगतान कर नायब तहसीलदार भवरलाल सेन की मौजूदगी में रवाना किया गया। मजदूरों ने बताया कि लॉकडाउन के बाद से ही वे फैक्ट्री में बंद थे। 20 अप्रैल को मंजूरी के बावजूद कंपनी में काम शुरू नहीं किया गया और ऐसे में हालात ये हो गए हैं कि खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। परेशानी यही है कि बस खाने पीने का पैसे नहीं मिला है और जो लॉकडाउन हुआ उसका भी नहीं मिला है कुछ। फिर कैसे घर जा रहे हो? क्या बस जाएंगे, जैसे भेजेंगे वैसे चले जाएंगे, क्या करेंगे? कोई बकाया पैसों को लेकर कोई बताया क्या कि कब तक पैसा डालेंगे? कोई उम्मीद नहीं है अभी। अभी मार्च महीने की मेरी 21 दिन की सैलरी मिली थी, 9 दिन की सैलरी मेरी काट ली गई है, 8,400 रुपये और कुछ पैसे मिले हैं मुझे। उसके बाद मुझे यहाँ टर्मिनेशन लेटर मिल गया था कि आपको अंबुजा के अंदर काम नहीं कर रहे हो तो आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा, निकालना जाता है आपको। मार्च और ये पूरा अप्रैल हो गया, ये भी नहीं, दो महीने से खर्ची भी दो तीन हफ्ता से नहीं मिलता था हम लोग को, इसलिए हम। कितना बाकी आपके हिसाब से अंबुजा में पैसा? हमारा तो अंबुजा में तो अभी बाकी है 25,000-26,000 रुपये। अच्छा, क्या कह रहे हैं वो लोग? वो लोग बोल रहे हैं देंगे। हमारा कंपनी अन्ना इंजीनियरिंग है, उसके द्वारा हम आए थे यहाँ अंबुजा प्लांट में। अन्ना इंजीनियरिंग हमारा कॉन्ट्रेक्टर है, उसी ने बोला दे रहे हैं अभी तक नहीं दिया, दो महीना हो गया था।